हेलो एवरीवन, इट्स योर लीगल हेल्पर रुद्र प्रताप दुबे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे गैम्बलिंग यानी कि जुए सट्टे से जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में। लोग ये तो जरूर जानते हैं कि जुआ सट्टा खेलना अपराध है, लेकिन इस विषय के बारे में लोगों को सटीक व सही जानकारी नहीं होती है। भारत में हर जगह और स्पेशली दिवाली के अवसर पर जगह जगह लोग जुआ खेलते हैं, इसे मनोरंजन के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और अपना सब कुछ खो बैठते हैं। अगर हम इसका इतिहास देखें तो पुराने समय में इसके लिए कोई विशेष कानून नहीं था, इसे मनोरंजन के तौर पर ही खेला जाता था। इस तरह के खेलों का उल्लेख मौर्य काल, गुप्त काल और विशेषकर मुगल काल में हमें मिलता है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष भर के भाग्य की परीक्षा करना लोगों की धारणा होती है। इस प्रथा के अनुसार भगवान शंकर जी और पार्वती माता के जुआ खेलने के प्रसंग को भी जोड़ा जाता है, जिसमें भगवान शंकर जी पराजित हो गए थे। हालांकि यह एक दुर्गुण ही है, लेकिन लोग इसे शास्त्र से जोड़कर अच्छी चीजों के बजाय बुरी चीजों को अपना लेते हैं। महाभारत काल में हुए सबसे विख्यात युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण था जुआ, जिसे चौसर के रूप में खेला जाता था। समय के साथ चौसर चौपड़ में बदल गया, जहां पर लकड़ियों की गोटियों से सोने की मुद्राओं का दाव लगाकर खेला जाता था। चौपड़ का अस्तित्व समाप्त होने पर 48 खाने वाला जुआ का नया खेल प्रारंभ हुआ, जिसमें हर दाव पर संपत्ति लगाई जाने लगी। अब यह बंद दीवारों से निकलकर धीरे से बाजारों में चलने लगा। दीपावली की रात अधिकतर ताश के पत्तों से ही वर्तमान समय में जुआ खेलने की प्रथा मौजूद है। कई लोग शुभ लक्ष्मी के आगमन का संकेत बताकर यह खेल खेलते हैं, लेकिन हमारे धर्मग्रंथ साफ तौर पर यह कहते हैं कि जुआ एक व्यसन है, बुरी आदत है, और जहां व्यसन होते हैं वहां लक्ष्मी जी का वास नहीं हो सकता है। गरुड़ पुराण भी इस तरह के कर्मों के दंड का उल्लेख करता है। जब अंग्रेज भारत में आए, तब अंग्रेजों ने इस जुए को कसिनो का स्वरूप दे दिया और इसे पूरे देश में लीगल कर दिया। यहां पर आपकी जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि वर्तमान में केवल गोवा, सिक्किम और दीव आइलैंड में ही कसिनो लीगल है, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया इलीगल है। हालांकि जुए सट्टों से जुड़े कानून को भारत में पहली बार ब्रिटिशर्स द्वारा ही लागू किया गया था। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 यानी कि सार्वजनिक धूत अधिनियम 1867 के नाम से। इस एक्ट में कुल 18 धाराएं हैं, 18 सेक्शंस हैं, जो कि जुआ खेलने, जुआ घर चलाने, जुआ घर में पाए जाने, जुआ घर का स्वामी होने व जुआ खेल से किसी भी प्रकार का संबंध रखने को अपराध की श्रेणी में लाती है। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा है धारा 13, सेक्शन 13, जिसकी जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि आमतौर पर पुलिस जुआ खेलते हुए पकड़ने पर इसी धारा के तहत कार्रवाई करती है। सेक्शन 13 ऑफ पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 स्टेट्स अबाउट गैम्बलिंग एंड सेटिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स टू फाइट इन पब्लिक स्ट्रीट्स। धारा 13 कहती है कि सार्वजनिक मार्गों में जुआ खेलना और पक्षियों और पशुओं को लड़ने के लिए छोड़ना एक अपराध है, जिसे करने पर पुलिस द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और जल्दी से जल्दी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। दोषी पाने पर ज्यादा से ज्यादा 1 माह की जेल या ₹50 जुर्माने का दंड है। लेकिन आमतौर पर पुलिस जब जुआ खेलते हुए पकड़ती है तो आरोपियों को मौके पर ही जब्ती कार्रवाई के बाद बॉन्ड यानी कि मुचलने पर छोड़ दिया जाता है, थाने नहीं ले जाया जाता। किंतु पुलिस के डर से जुआड़ी भाग खड़े होते हैं, जिसमें हाथ पैर टूटने, गंभीर चोट लगने और गड्ढों में गिरने का खतरा होता है। ऐसी कई घटनाएं हुई भी है। कई घटनाओं में तो भागने के दौरान कुएं खाई में गिरने से मौत भी हो गई है। इसका मुख्य कारण है कि लोगों को लॉ की नॉलेज न होना। हमें अपराध के स्वरूप को जानना चाहिए तथा ऐसे मौकों पर घबराने के बजाय
विधि का साथ देना श्रेयकर होता है, हमारे हित में होता है। तो इसी तरह की अच्छी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से, देखते रहिए, सीखते रहिए।